गुलाम अली खां का निधन कब हुआ? ए नंबर में है 27 अप्रैल 1967, बी नंबर में है 25 अप्रैल 1965, सी नंबर में 23 अप्रैल 1968 को, और डी नंबर में 25 अप्रैल 1970 को। इसका दोस्तों सही आंसर है सी नंबर, 23 अप्रैल 1968। अगला प्रश्न है, बड़े गुलाम अली खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए नंबर में है 1901 में लाहौर में, बी नंबर में है 1902 पंजाब में, और सी नंबर में 1905 में बनारस में, डी नंबर में 1907 कश्मीर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, 1901 में लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित रविशंकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए नंबर में 27 अप्रैल 1920 में वाराणसी में, बी नंबर 10 अप्रैल 1930 पाकिस्तान में, सी नंबर 20 अप्रैल आगरा में, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, 7 अप्रैल 1920 में वाराणसी में, जो कि हिंदुस्तान ही में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित रवि शंकर के पिता का नाम क्या था? ए नंबर में है डॉक्टर श्याम शंकर, बी नंबर डॉक्टर बराबरी दास, सी नंबर डॉक्टर गौतम दास, और डी नंबर डॉक्टर शंकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर, डॉक्टर श्याम शंकर। अगला प्रश्न, किस संगीतज्ञ को भारत रत्न सम्मान से विभूषित किया गया? ए नंबर में है बिस्मिल्ला खां, बी नंबर में पंडित किशन महाराज, सी नंबर पंडित शांता प्रसाद, और डी नंबर उ जाकिर हुसैन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उ बिस्मिल्ला खान। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेगम परवीन सुल्ताना किस गायन के लिए प्रसिद्ध हैं? ए नंबर वीणा वादन, बी नंबर शास्त्रीय गायन, सी नंबर वायलिन वादन, और डी नंबर गजल के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर शास्त्रीय गायन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मियां लहर दरबारी कांदरा मियां तानसेन की किस राग की रचना की? ए नंबर में दोस्तों मियां लहर, बी नंबर में है दरबारी कांदरा, सी नंबर में है ए एवं बी दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नृत्य सम्राट गोपी किशन किस नृत्य से संबंधित थे? ए नंबर कथक, बी नंबर कथकली, सी नंबर ओडिसी, और डी नंबर तांडव। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर कथक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली कांची क्या है? ए नंबर में दोस्तों 0, बी नंबर में है प्लस, सी नंबर में 1, और डी नंबर में गुना इनटू। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी जोड़। अगला प्रश्न है, संगीत मकरंद के रचयिता कौन है? ए नंबर में है नारद, बी नंबर में अहोल, सी नंबर में है कविता, डी नंबर छात्र। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर नारद। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पंडित हरिदास स्वामी क्या थे? ए नंबर वादक, बी नंबर गायक, दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर गायक। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई? ए नंबर में 6 सितंबर 1972 को, बी नंबर 7 सितंबर 1970 को, सी नंबर 10 सितंबर 1975 को, 15 सितंबर 1977 को। दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर, 6 सितंबर 1972 को। अगला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे? ए नंबर सरोद, बी नंबर तबला, सी नंबर सितार, और डी नंबर तानपुरा। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर सरोद। अगला प्रश्न है, फैयाज खां का जन्म स्थान कहाँ है? ए नंबर में है जन्म कहाँ है, ए नंबर में 1886 में आगरा में, बी नंबर 1870 में बनारस में, सी नंबर 1890 में पंजाब में, और डी नंबर 1895 में पटना में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, 1886 में आगरा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? ए नंबर में दोस्तों बिहार के भोजपुर जिले के
डुमराव मैं 1908 को, बी नंबर बिहार के पटना जिले में 1907 को, और सी नंबर बिहार के हाजीपुर जिले में 1910 को, बिहार के सीतामढ़ी जिले में 1920 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, बिहार के भोजपुर जिले के डुमराव 1908 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, परो लालजी श्रीवास्तव किस वाद्य के कलाकार थे? तो ए नंबर में दोस्तों वाणी वीणा, बी नंबर में सितार, सी नंबर में वायलिन और डी नंबर में तबला। इसका सही आंसर है डी नंबर, तबला। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक ताल परिचय के लेखक का नाम बताएं। ए नंबर में दोस्तों डॉक्टर लाल मणि मिश्र, बी नंबर में पंडित सत्यनारायण वशिष्ठ। दोस्तों इसका सही आंसर, और सी नंबर में डॉक्टर अरुण कुमार सेन, डी नंबर आचार्य गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर, आचार्य गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। अगला प्रश्न की तरफ और बढ़ते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? 1500 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, सी नंबर 1253 ईस्वी में, डी नंबर 1342 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर, 1253 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, तानसेन का जन्म कब हुआ था? ए नंबर 1500 ईस्वी में, बी नंबर 1532 ईस्वी में, सी नंबर 1553 ईस्वी में और डी नंबर 1442 ईस्वी में। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, 1532 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, तानसेन का बचपन का नाम क्या था? ए नंबर में तन्ना मिश्र, बी नंबर तनु वर्मा, सी नंबर तारा मिश्र, डी नंबर तारा वर्मा। सही आंसर दोस्तों ए नंबर, तन्ना मिश्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाम नबी शोरी ने किस गायन शैली को जन्म दिया? ए नंबर में दोस्तों ध्रुपद, बी नंबर ठप्पा, सी नंबर ठुमरी और डी नंबर दादरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर, ठप्पा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में इनमें से कौन जाने जाते थे? ए नंबर में दोस्तों अमीर खुसरो, बी नंबर तानसेन, सी नंबर पंडित बच्चा मिश्र और डी नंबर बैजू बावरा। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, तानसेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुदेव श्री टी एन पटनायक क्यों जाने जाते हैं? ए नंबर में दोस्तों वायलिन वादन के लिए, बी नंबर बांसुरी वादन के लिए, सी नंबर सितार वादन के लिए और डी नंबर हारमोनियम वादन के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, वायलिन वादन के लिए। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं? ए नंबर में सितार वादन के लिए, बी नंबर कंठ संगीत के लिए, बांसुरी वादन के लिए और डी नंबर शास्त्रीय गायन के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर, कंठ संगीत के लिए, कंठ संगीत के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भातखंडे संगीत शास्त्र किनकी रचना है? ए नंबर में दोस्तों विष्णु नारायण, बी नंबर में अशफाकुल्ला, सी नंबर शारंगदेव, डी नंबर लोचन। दोस्तों इसका सही आंसर है पंडित विष्णु नारायण, ए नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदंग केसरी उपनाम से प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? मृदंग केसरी उपनाम से प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? ए नंबर में नाना साहेब पानसे, बी नंबर कुद्दू सिंह पखावजी, सी नंबर अयोध्या प्रसाद और डी नंबर पागलदास। तो दोस्तों सही आंसर है बी नंबर, कुद्दू सिंह पखावजी। दोस्तों यह था 12th क्लास म्यूजिक इंटर एग्जाम 2021 का जो मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, और मेरे चैनल में जो दोस्त नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। दोस्तों तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।